गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, सब लोग बताता हूँ कौन कौन जा रहे हैं। ये गड्डी, इस गड्डी में जाएंगे अपन। ये सब लोग भी आ गए हैं भाई, नए घर से दीदी को बिठा लेता है। जीजा आप आगे क्यों बैठ रहे हो? जीजा नहीं, आप कंडक्टर हो अभी बस के। हमारे कंडक्टर और क्लीनर आगे बैठते हैं और ड्राइवर भी, बाकी सब पैसेंजर पीछे। कहाँ जा रहे बाबू? स्कूल? किस स्कूल जा रहे? स्कूल जा रहे? अरे रियांश कहाँ छुपा है? नींद में रियांश। सब लोग बैठ गए हैं आगे, देखो अंशु और जीजा बैठ गए हैं इधर, रुहानसी दीवानी। किधर जा रही? स्कूल? पीछे दीदी, सलोनी और मम्मी। अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है, फर्स्ट स्टॉप हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमारे भैया लोग के पास हम लोग रुके हैं। भाई साहब क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो ये मेरे मामा जी का गांव है काबरी, और ये हमारे भैया जी हैं। गाड़ी भी हमारे मामा के लड़के की है। पिकनिक मनाने विश्राम करके हम लोग निकल चुके हैं काबरी से, और काबरी में इनका शॉपिंग हो गया बच्चों का। बैठ गया, थक गया, अब चिप्स खाएंगे बच्चे लोग। अब जब शांत बैठ चुके हैं क्योंकि माहौल ठंडा हो चुका है अब में, और रियांश तो शुरू से शांत है। घूमने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, वैसे बता नहीं पाया था, और ये महाराष्ट्र में कहीं जंगल में हम बैठ के थोड़ा पिकनिक मना लेते हैं, यहीं पे खा लेते हैं कुछ, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता लाएं, खाना लाएं। गाड़ियाँ साइड में खड़ी कर दी, अब यहाँ बैठ के मस्त खाएंगे। एकदम पिकनिक वाला माहौल हो गया है। तो बैठो बैठो, पिकनिक मनाने आए अपन। सलोनी क्या हो गया? बैठ खा। अभी हमने खाना निकाल लिया और अब खाएंगे मस्त खाना, यहाँ पे पिकनिक मनाएंगे। रोहन सी तो सो गई यहाँ पे छोटे की गोद में। ये देखो बाबू का तो मजा आ रहा है रे। तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। देखो किसने? आपने? चलिए हो गए सब रेडी? रेडी रेडी बिल्कुल। चलो भैया लेट्स गो, चलो दर्जी करने चलो। चलो भैया सब, भैया हमारे मामा के लड़के के लड़के हैं विजय, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको इनके लिए माल स्पेशल लाए हैं घर से मजदूर, ताकि उठा उठा के चले। ये सब मजदूर है बच्चों को उठाने वाले। भीड़ कितनी यार आज। ये टिकट देखो, किस चीज की टिकट? तो आप लोग जैसे इस रास्ते से आएंगे आपको इधर से मुड़ना पड़ेगा बस लेने के लिए इस रास्ते पे। हम लोग जब लास्ट बार यहाँ आए थे तो यहाँ भीड़ इतनी नहीं थी जितनी इस बार है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लकड़ी का हमको बस में बैठना है, हम इस बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन एसी है, इसमें 25 रुपए लगेंगे, और ये एसी वाली है इसमें 30 रुपए। वो देखो गरीब लोग है इसलिए हमको 25 रुपए। गरीब लोगों के लिए अब ये वाली बसें बनी हुई है, पर ये भी गरीब के गरीब से ज्यादा की लग रही है। 25 रुपए, 4-5 किलोमीटर के 25 रुपए से 4-5 किलोमीटर जाना है हम यहाँ से 25 रुपए में, एक जन के 25 रुपए। इधर बैठो बैठो बैठो, फटाफट में चलाने वाला हूँ गाड़ी अभी, फटाफट आगे बैठ गए। सब पीछे बैठ गए, यहाँ पे बैठे ड्राइवर साहब, चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग उतर गए हैं। चलो भाई साहब, कौन कौन बचा हुआ है? मम्मी सबको उतारने दो। इधर 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 चलिए, अब हम लोग यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे, इसके बाद यहाँ से जाएंगे। अंदर जाने से पहले हमें बंदर भाई साहब के दर्शन हो गए, और यहाँ से अंदर जाना है हमको।
टिकट लेना है यहाँ पर। ये लोग यहाँ पर आराम कर रहे हो और हम लोग टिकट लेके आए हैं जस्ट। ये बाबू कहाँ जा रहा है? लेके जाना पड़ेगा। रुक जा, बिना टिकट जा रहा है तू, पकड़ लो इसको। नहीं, किसी को बैठना है? जी जा, बैठ जाओ उस पर। अब यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है, सीढ़ियों तू सीढ़ियों। अजंता की गुफा है, ये है गुफा नंबर एक। और इसी तरीके से 30 गुफाएं हैं यहाँ पे, वहाँ तक 30 गुफाएं पूरी। झरना ऐसे थोड़ा आगे जाएंगे तो दिखेगा। लास्ट टाइम आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, आज स्कूल के बच्चे भी बहुत आ रखे हैं यहाँ पे, स्कूल वाले बच्चे। तो गाइस कोई भी अगर आ रहा है तो पानी तो मिल जाएगा आपको, बोतल जरूर लाना पड़ेगा, वरना ऐसे पियो तो पी सकते हो आप, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। हमारे तो पसीने निकल गए बादल होने के बावजूद भी, सबके सबके। हम लोग अंदर जाके सारे हमने वो देख लिए, पर हम लोग अंदर जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग करना मना है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बाहर बाहर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग पीछे रह गए थे, ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं बैठ रहे हुए। तो हम झरने की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? मम्मी थक गए? बैठ गए थे आप, थक गए? चलो नहीं, थक गए वो पीछे वाली, थक गई तो बैठे बैठे घूम रही है। जीजा आपके पूर्वज और मेरे भी। चल रोहनसी, ये क्रॉस करके हमको पहाड़ पे चढ़ना है, उस वाले पहाड़ पे, सामने वाले पे, वहाँ जाएंगे हम। मेरे को इन बंदरों से बहुत काफ़ी डर लगता है, मैं इग्नोर करके निकलने वाला था ही और बंदर झपटने वाला था। दोस्त कैसे? दोस्त बड़े अभी हमको यहाँ से ऊपर भी चढ़ना है, अभी हम थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं पाइन एप्पल। सो कुछ टाइम पहले हम वहाँ पे थे, अब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं झरने की तरफ। और हालत बहुत ख़राब है हमारी, क्योंकि गर्मी भी लग रही है थोड़ी बहुत, फिर भी हम चले जा रहे हैं। करीबन 500 सीढ़ियाँ चढ़नी हमको। आगे जीजा, करीब हमसे एक घंटा पीछे आप पहुंच गए हम लोग ऊपर। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चालू हो गए, इधर से देखेंगे हम लोग। तो ये रही अजंता की गुफाएं, और इससे ठीक आगे ये झरना, इसी को देखने के लिए हम इतने ऊपर चढ़े हैं 500 सीढ़ियाँ। वैसे ये बहुत छोटा दिख रहा, पर रियल देखने में, रियल में बहुत बड़ा है। हाँ, भयंकर है। क्या मोबाइल में तो वो छोटा सा लगेगा, पर सामने में थोड़ा बड़ा है, और ये स्टेप में बना हुआ भी। ऐसे करके जाना है वहाँ पे, वो पूरा अजंता तो दिखाई दिया। बाहर जगह जाके आपको गुफा के अंदर तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बनाना मना था वहाँ। बस अभी हम लास्ट झरना देखने के लिए आए हुए हैं, झरना देख के नीचे निकलेंगे। बाकी मम्मी सलोनी शिवानी दीदी, इनको हम नीचे छोड़ के आए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़नी थी ना, इसलिए, और वो चढ़ नहीं सकते थे। हमको यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर किसी की डेथ भी हो चुकी थी वहाँ से गिरने पर, सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर वाला जो कुंड था वहाँ पे गिरा था, एक नंबर का कुंड, वो जो एक नंबर सबसे ऊपर कुंड दिख रहा है ना, वहाँ गिरा था, उसकी डेथ हो गई थी। तब से शायद वहाँ आगे जाने देते किसी को, इसलिए ये रेलिंग बना दी। क्यों आगे? हा? रेलिंग बाद में बनाई होगी कि पहले की? पहले की है। तब भी वो चला गया था आगे, फोटो निकालने के लिए गया था, तो वहाँ पर वो फोटो निकालने के लिए आगे गया था, और फोटो के चक्कर में बेचारा आगे ही चला गया। तो आप लोग कभी भी फोटो निकालने आगे मत जाना, वरना बहुत आगे चले जाओगे। सो ये हम लोग ऊपर से आ गए, और बाकी लोग यहीं पे थे नीचे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, पर जीजा का वेट करें, जीजा बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत सारी, 500 सीढ़ियाँ, और इनके ठीक पीछे बंदर भी है। हम जिस पर्स में बैठे उसका कहाँ देखो भैया, ज़रा धीरे चलाना भैया, बहुत धीरे चलाना। आपसे विशेष निवेदन है, हमारा परिवार साथ में है, इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, कुकिंग की जिम्मेदारी से चलाना। और आगे वही बैठा है हमारा ड्राइवर, मामा का लड़का, का लड़का। अभी जस्ट गाड़ी टुकते टुकते बजे सामने से बस आ गई थी, अपन यही बात कर रहे थे जो थोड़ी देर पहले, एकदम से ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकी, रास्ता जरा सा सिग्नल, ये देखो कितना पतला रास्ता है।
देखो बच्चों का यहाँ खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड, तो यहाँ से हम सब बच्चों को ले जा रहे हैं। ये बच्चों को, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, इन लोगों को खेलने के लिए भेजा तो ये लोग यहाँ के बैठ गए। अंशु के लिए देखो बैग यहाँ पे मिला, अलग ही टाइप का मटेरियल है। सिलाई करवाना पड़ेगा। अब हम निकल रहे हैं, बस गाड़ी आ रही है बैंक से, और हम लोग बैठ गए हैं एक रेस्टोरेंट में आके। सब लोग बैठ गए यहाँ पे और छोटा तो अंदर चला गया। और यहाँ तो मम्मी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्या बोल रही है लोग। मजबूरी में रोड के ठीक किनारे ही पे है ये रेस्टोरेंट। कौन सा रेस्टोरेंट, क्या नाम था इसका? मोहिनी। डांसर हमारा डांसर बॉय, ये डांसर। चिली पनीर खाओ, चिली पनीर। ये चिली पनीर हमने मंगाया स्टार्टर में, और पापड़ तो खा भी लिया हमने, मसाला पापड़। चिली पनीर खाएंगे तब तक स्टार्टर में। यहाँ पे हम लोग चिली पनीर खा के मेन खाने का वेट कर रहे हैं, और उधर अंशु रियांश झूले झूलने लगते हैं। तो हमारा खाना आ चुका है यहाँ पर, पनीर मसाला दाल मखनी। कैसा लग रहा है? अच्छा बढ़िया है। कैसा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। चलो नहीं, कैसा है? हाँ। तो ये रहा हमारा बिल खाने का, और खाना कंप्लीट हो चुका है। चले, शाम भी हो गई, देखो पूरी। चलो चलो चलो, सब लोग निकलो, सोप वगैरह खा लेते हैं यहाँ पे। खाना पीना हो गया है, और हमारी गाड़ी इधर ही पार्क की थी हमने पार्क में। अब गाड़ी लेके हम निकलते हैं हम लोग। ड्राइवर साहब गाड़ी निकालिए। ठंडी एनर्जी पड़ गई अपनी, अब तो ठंडी पड़ेगी। रात हो गई तो बैटरी लो गई, क्यों? चार्ज कर लो यार बैटरी, अब चार्ज पे रख दो। मम्मी सब सबकी बैटरी लो हो गई, पीछे भी चार्ज कर ली, खाना खा के चार्ज हो गई। सलोनी तो सुबह बैटरी बहुत ज्यादा लो थी, अब ठीक है। और